एक रात में गायब हो गया पूरा गांव। दुनिया में कुछ ऐसी रहस्यमय जगह हैं जिनके रहस्य की उलझन अब तक नहीं हुई। आप कितना भी तर्क लगाने की कोशिश करें, कुछ भी सामने नहीं आता। ऐसी ही कई रहस्यमय बातों से भरे इस अनजान एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे गांव की कहानी जो एक रात में गायब हो गया। आप कह सकते हैं कि ये कैसे संभव है, एक रात में पूरा गांव कैसे गायब हो सकता है। लेकिन हमारे ही भारत में राजस्थान में एक ऐसा गांव है जो रातों रात गायब हो गया। लोग कहां गए, कब गए और कैसे गए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। जैसलमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर कुलधारा नाम का एक गांव है। यही है वो रहस्यमय गांव। करीब 300 साल पहले ये गांव रातों रात गायब हो गया था। पहले ये एक समृद्ध गांव था, लेकिन अब ये डरावना लगने लगा है। उस गांव में अब कोई नहीं घूमता। साथ ही गांव को श्राप दिया कि वहां कोई नहीं रह सकता। आज भी जो कोई उस गांव में एक रात बिताने की कोशिश करता है, उसे कुछ बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। गांव के शापित होने के पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। 300 साल पहले जैसलमेर में सलीम सिंह नाम के एक राजा का शासन था। उसकी नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी। वह उस पर शादी के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्राम प्रधान इसके लिए तैयार नहीं थे। राजा ने धमकी दी कि यदि उसने विवाह नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम केवल उस लड़की को नहीं बल्कि पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ सभी एकजुट हो गए। उन्होंने आपात बैठक बुलाई। तब उस गांव के 85 घरों के लोगों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे राजा की जबरदस्ती नहीं मानेंगे। और तभी उन्होंने गांव छोड़ने की सोची। उस रात अचानक पूरा गांव गायब हो गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो उस गांव में कोई नहीं था। 85 घरों के सभी सदस्य एक रात में अचानक गायब हो गए। आसपास के गांवों और कस्बों में उन्हें खोजने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। लगभग 300 सालों बाद भी आज तक हम उनका एक साधारण पदचिन्ह भी खोज नहीं पाए। उसके बाद बहुत से लोगों ने उस गांव में जाकर रहने की कोशिश की, लेकिन उस गांव में कोई नहीं रह सकता। कहा जाता है कि गायब होते वक्त गांव वालों ने श्राप दिया था कि यहां फिर कभी इंसानों का बसेरा नहीं होगा। तभी से लगता है कि यहां अलग अलग ताकतों का साम्राज्य है। अगर कोई यहां जबरदस्ती एक रात रुकने की कोशिश करता है तो उसे रात में अलग अलग एहसास होने लगते हैं। रात भर उन्हें बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। इससे कई लोगों की जान को भी खतरा हुआ है। तभी से सूर्यास्त के बाद इस गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। आज भी वीरान पड़ा है ये गांव, नई बस्ती बसने के इंतजार में।